हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? आपको तो पता है कि आजकल बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो पूरे हिंदुस्तान में बन रही है, पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियो बन रही है। और आज आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपका एक म्यूज़िक वीडियो बहुत बढ़िया बन जाए। कुछ ऐसे आपको टिप्स बताऊंगा इसके बारे में, अगर आप उस टिप्स को फॉलो करोगे तो आपका एक म्यूज़िक वीडियो बहुत बढ़िया वीडियो बन जाएगा। और ठीक है, बातें कम करते हुए पहले मैं आपको टिप्स के बारे में जानकारी देता हूँ। जब भी आपके पास कोई सिंगर आता है बुकिंग के लिए, आपको म्यूज़िक वीडियो बुक करवाता है, तो पहले तो आप बुक जैसे आप वीडियो बुक कर लेते हो, पहले तो आप देखें उसके माइंड में क्या चल रहा है। अगर उसका सॉन्ग है तो ज़रूर उसने भी कुछ ना कुछ इस वीडियो के लिए सोचा होगा। पहले तो आप उससे पूछें कि आपके माइंड में क्या है, उसका भी माइंड आप एक बार जान लें कि वो क्या चाहता है, और उसके बाद जो आपके माइंड में उसको बताएं। अगर उसका माइंड आपको अच्छा लगता है, उसकी स्टोरी आपको अच्छी लगती है, तो थोड़ा सा उसके बारे में जान लें। कोशिश कीजिए कि वीडियो बनाने से पहले सिंगर के साथ एक सेटिंग कीजिए, उसके साथ एक डिस्कस कीजिए, उसके साथ स्टोरी डिस्कस कीजिए कि वो आप क्या बनाना चाह रहे हैं, उसको वीडियो के अंदर कैसे दिखाना चाहते हैं। ये सबसे बढ़िया बात होती है। अगर आपके पास एक अच्छी स्क्रिप्ट बन जाती है तो उसके अंदर क्या है कि सारा का सारा वीडियो का टोटली डिटेल आ जाता है। उसका लोकेशन क्या है, उसमें आर्टिस्ट कितने यूज़ हो रहे, उसकी लाइटिंग क्या है, इनडोर क्या है, आउटडोर क्या है, एक दिन का शूट है, दो दिन का शूट है, कैसे करना है, कैसे कैसे नहीं करना है, उसकी सारी सारी डिटेल आ जाती है। इसलिए सबसे जो मेन चीज़ है वो आपकी है स्क्रिप्ट। अगर आपकी स्क्रिप्ट दमदार है तो म्यूज़िक वीडियो बहुत बढ़िया आपका बन जाएगा। और थर्ड क्या होता है कि एक अच्छा म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए आपके पास लोकेशन बहुत बढ़िया होनी चाहिए। जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाती है, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट आप एक अच्छी लोकेशन देख लीजिए। जैसे कि मैं अभी आपको बीच बीच में कुछ शॉट दिखाऊंगा जो मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट किया है, उसमें कैसे कैसे म्यूज़िक वीडियो शूट करते हैं, सीन कैसे लेते हैं और उसकी सीन की फीलिंग क्या है। अगर मेरे पास एक सिंगर आए थे अमेरिका में, अभी होते हैं पूला लवाना जी, उनका मैंने म्यूज़िक वीडियो शूट किया। जब उनसे मेरी बात हुई म्यूज़िक वीडियो के बारे में, उन्होंने मेरे को सॉन्ग दिया और ये सॉन्ग बेसिकली था मैरिज बेस्ड सॉन्ग था। जैसे उसमें कुछ मैंने माहौल दिखाना था कि मैरिज का माहौल दिखाना था, मैंने उसके अंदर कुछ ऐसा क्राउड दिखाना चाहता था। मैंने सारा सिंगर से डिस्कस किया, उसको मेरा कंसर्ट पसंद आया। अभी देखिए उसके अंदर मैं क्या क्या आपको शॉट दिखा रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही होती है कि जब आप एक म्यूज़िक वीडियो करते हो, उसके अंदर जो आप मॉडल लेते हैं वो प्रोफेशनल और बहुत सुंदर होनी चाहिए। आजकल क्या होता है कि कुछ बंदे बजट ले लेते हैं, लेकिन बजट की कमी के कारण या फिर कुछ नए चेहरे लॉन्च कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता कि नए चेहरे को ब्रेक ना दो, मैं चाहता हूँ कि अगर नए चेहरे को भी लॉन्च कर दें तो पहले उसकी एक रिहर्सल करवा लो, उसके बारे में आप जान लो। ये ना हो कि सेट में आके वो सारा लस्सी कर दे। मेरा यूट्यूब चैनल है पेंडू डैडी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। अगर आपके पास एक दिन का ही बजट है वीडियो शूट करने के लिए, और कोशिश कीजिए कि जब भी आपका सुबह मॉर्निंग जितने बजे का टाइम है, 6 बजे का टाइम है, 7 बजे का टाइम है, उससे 2 घंटे या 1 घंटा पहले लोकेशन पर पहुंचिए और सारी प्रोडक्शन को उधर बुला लीजिए। उसमें क्या आता, मेकअप को टाइम लगता है, 1-2 घंटे मेकअप खा जाता है। उतनी देर में लोकेशन रीड कर लो, DOP के साथ डिस्कस कर सकते हो, कोरियोग्राफर के साथ डिस्कस कर सकते हो, सारी लोकेशन रीड कर सकते हो, उसमें पेपर वर्क कर सकते हो, कहाँ कहाँ में मैंने कौन कौन सा सीन लेना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास एक DOP बहुत अच्छा आना चाहिए। जिसको कैमरे का नॉलेज नहीं है आप उसी को DOP ले रहे हैं, ऐसे नहीं कुछ होता। उसमें क्या होता कि सारा का सारा आपका बजट टोटली वेस्ट हो जाएगा, वो सारा का सारा ही नाश हो जाएगा वीडियो का। क्योंकि अगर DOP अच्छा नहीं है, उसको कैमरे को भी समझ नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। एक अच्छा डायरेक्टर भी कुछ नहीं कर सकता आपका DOP बढ़िया नहीं है। तो मेकअप का बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है वीडियो के अंदर। आपका अगर मेकअप आर्टिस्ट बहुत बढ़िया है, उसमें क्या होता है कि एक अच्छा फेस निकल के बाहर आता है। अगर आपका मेकअप आर्टिस्ट अच्छा नहीं है तो फेस कभी भी निकल के बाहर नहीं आता। अगर आपका मेकअप अच्छा हो तो उसमें वीडियो की क्वालिटी बहुत बढ़िया आएगी। अगर आप मेरी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल है पेंडू डैडी, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और नीचे बेल आइकॉन का बटन है उसको दबाना मत भूलिए। हाँ दोस्तों, अगली बार फिर मिलूँगा नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके।